तो जी हाँ वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर आज के आज अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है डिटेक्टर्स फ़ोटो मल्टीप्लायर एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे डिटेक्टर्स क्या होता है फ़ोटो मल्टीप्लायर का होता है तो भैया चलते हैं डिटेक्टर्स की तरफ डिटेक्टर्स क्या होता है मयर करने के लिए होता है क्या चीज़ क्या चीज़ मैयर करने के लिए होता है एक सोर्स ऑफ लाइट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यहाँ से लाइट आ रही होती है यहाँ पर हमारा सैंपल होता है सैंपल के अंदर कोई मटेरियल होता है जिसको हमने डिटेक्ट करना होता है जिसके बारे में हमने जानना होता है तो लाइट आकर इस मटेरियल से टकराती है लाइट कुछ लाइट की अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट की अमाउंट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है तो जो लाइट की अमाउंट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है उसको कहते हैं उसकी इंटेंसिटी को कहते हैं आई टी आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो कि सैंपल में से पास कर गई सैंपल में से गुजर गई उस लाइट की इंटेंसिटी को मैयर करने वाले को कहते हैं क्या डिटेक्टर्स इट इज एस इज यूज द इंटेंसिटी बदलता रहता है वेरी करता है अगर वेवलेंथ रीजन जिसको मैयर करना हो वो चेंज हो जाए डिटेक्टर्स विल वेरी विद देंथ रिजन टू बी मैयर कुछ डिटेक्टर्स हैं एक डिटेक्टर है फोटोट्यूब फोटो सेल इज कॉमनली यूज इन द अल्ट्रा वायल्ट एंड विजिबल रीजन दिस कंसिस्ट ऑफ फोटो इमिशिव के थोड फोटो इमिसिव कैथोड ऐसा मटेरियल होता है जो फोटॉन आकर इमिट करे जो क्या करे जो फोटो इमिसिव कैथोड जो फोटॉन को इमिट करे दिस कंसिस्ट ऑफ फोटो इमिसिव केथोड एंड एन एनोड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड वेन ए फोटोन एंटर विंडो ऑफ ट्यूब एंड स्ट्राइक कैथोड एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड अट्रैक्टिव टू एनोड कॉजिंग ए करंट टू फ्लो डैट कैन बी एम्पलीफाइड एंड मैय जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम मैयर करते हैं बढ़ा लेते हैं एम्पलीफाइड मीन उसको बढ़ा लेते हैं करंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं दोबारा ज़रा इसको देखें वेन ए फोटो आन एंटर ए विंडो ऑफ ऑफ ट्यूब एंड ए स्ट्राइक ए कैथोड मान लो कि यहाँ पर एक कैथोड लगा हुआ है ठीक फोटोआन आया और फोटोआन आकर इस कैथोड़ से टकराया तो इस कैथोड ने फ़ौर एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया अब इस कैथोड ने जो इलेक्ट्रॉन को इमिट किया ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ तो यहाँ पर एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं कई इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं करंट जिसको हम एम्पलीफाइड करते हैं और मैयर करते हैं फिर है रिस्पॉन्स ऑफ ए फोटो इमिसिव मटीरियल इज वेवलेंथ डिपेंडेंट जो फोटो इमेसिव मटीरियल है जो उसका रिस्पॉन्स है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है चेंज हो का चेंज हो जाएगा, यहां पर मैंने फोटो मल्टीप्लायर बनाया अब हम डिस्कस करते हैं फोटो मल्टीप्लायर फोटो मल्टीप्लायर मैंने खुद एक फोटो मल्टीप्लायर अपने हाथ से यहाँ पर डिजाइन किया है तो फोटो मल्टीप्लायर में कुछ चीजें हैं वो हम देख लेते हैं इसको कहते हैं कैथोड और इस पार्ट को कहते हैं एनोड और ये जो ग्रीन ग्रीन में आपको इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं इनका एक टिपिकल नाम है और वो नाम इनका नाम क्या है डायनोड इसको कहते हैं डाइ नोट डायनोड वन इसको कहेंगे डाइ नोट टू इसको कहेंगे डाइनोड थ्री इसको कहेंगे डाइनोट फोर तो होता क्या है कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट आती है जो लाइट आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट आकर इस कैथोड मटेरियल से टकराती है जो कि जीरो पे होता है हमने पे एक बात याद रखनी है कि जो डायनोड है ये भी इलेक्ट्रोड है उनकी मुख्त वोल्टेज है यहाँ पर हमने ये हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड लिया है कुछ बुक्स में मुख्तु वैल्यूज लिखी हुई है कहने का मकसद यह है कि डायनोड की जो वोल्टेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है तो जब आकर ये इंसिडेंट लाइट है सोर्स से इंसिडेंट लाइट आई इंसिडेंट लाइट आकर कैथोड से टकराई तो कैथोड एक एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि फोटॉन को इमिट करता है तो ये लाइट आकर से टकराई इसने इसने एक फोटॉन इमिट किया मान लो कि एक फोटॉन इमिट किया और वो फोटॉन डायनोड पर जाके स्ट्राइक किया डायनोड पर जाके टकराया डायनोड ने उस फोटॉन की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया और एक ज्यादा ज़्यादा बड़ी बीम एक ज़्यादा तादाद में फोटॉन इमट कर दिए फिर जो ये वाले फोटान थे इसको कहेंगे सेकेंड्री इमिशन ये प्राइमरी इमिशन और ये सेकेंडरी इमिशन ऑल राइट इसको कहेंगे सेकेंड्री इमिशन ये सेकेंड डायनोड के पास गए सेकेंड डायनोड ने जब सेकेंड डायनोड से आकर ये टकराए तो सेकेंड डायनोड ने इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी के कुछ फोटान इमट करके थर्ड डायनोड को भेजने शुरू कर दिए थर्ड डायनोड को जाकर टकराए तो उन्होंने उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के फोटॉन भेजने शुरू कर दिए उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के फोटॉन फोर्थ डायनोड की तरफ भेजने शुरू कर दिए फिर फोर्थ डायनोड ने उन सब फोटॉन को एनोड की तरफ भेज दिया तो ये कुछ प्रोसेस होता है फोटो मल्टी फोटो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर क्या मल्टीप्लाईर जो वर्ड है ना मल्टीप्लायर्स को समझो समझो तो सही ये ज्यादा करता है मल्टीप्लाई करता है फोटो फोटो फोटॉन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप देखो भैया यहाँ पर मान लो कि फोटॉन्स की जो वैल्यू है वो कम है लेकिन जो एनोड के पास फोटॉन आएंगे ना वो बेतहाशा बहुत ज्यादा होंगे ठीक यहाँ पर जो फोटॉन आए उसको इन डायनोड ने इस सारे प्रोसेस के अंदर इस सारे प्रोसेस के अंदर वो वो फोटान मल्टीप्लाई होकर एनोड के पास चले गए तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को कहते हैं फोटो मल्टीप्लायर ये बात कैसे मैंने यहां पर लिखी है फोटो मल्टीप्लायर इट इज मोर इट इज मोर मोर सेंसिटिव एक मोर भले काट रीजन होता क्या है इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो इमिव कैथोड ऐसा जो फोटोन को इमिट करता है देखिए फोटान को इमिट कर रहा है यहां से डायनोट के पास भेज रहा है it consists of photoemissive cathode which the photons strike जब फोटॉन आकर स्ट्राइक करता है फोटोएमिसिव कैथोड पर तो वो क्या एमिट करता है फोटॉन्स एंड अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिनको हम डायनोड्स कहते हैं ईच एट अ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल देन वन बिफोर इट और हर अगले डायनोड का पिछले डायनोड से पोटेंशियल ज्यादा होता है इसका अगर 100 है तो इसका 200 है तो इसका 300 है यही बात कर रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग दस्ट डायनोड रिलीज सेगर दैन ओरिजिनल बीम एंड सो ऑन एंड सो ऑन थ्रू दू प्रोड्यूसकेडक्ट केसकेडेक्ट कहते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट में आबशार की तरह पहले शुरू शुरू में एक दो काफी कम इंटेंसिटी की बीम ऑफ लाइट आई लेकिन जब पहुंची वो एनोड की तरफ तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज बाय फाइनल डायनोड टू तो द एनोड कैन बी मैनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन टैड फ्रॉम कैथोड तो ये कुछ पॉइंट्स थे फोटो मल्टीप्लायर में यहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा अपना बहुत सा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज